अब आपको चारों ब्लॉक याद हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि इनका परमाणु क्रमांक कैसे याद रखें। परमाणु क्रमांक याद करने का भी ट्रिक है। अब आसानी से पूरे तत्वों का परमाणु क्रमांक याद कर सकते हैं। जैसे एस ब्लॉक के वर्ग एक को देखिए, इसमें आते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। हाइड्रोजन का एक क्रमांक होता है, इसे तो याद करने की जरूरत ही नहीं है। इसमें आप दो जोड़िए तो एक और दो हो जाता है तीन, यानी कि यह लिथियम का क्रमांक है। अब इसमें आठ जोड़िए, आठ और तीन हो जाता है ग्यारह, जो कि सोडियम का परमाणु क्रमांक है। अब सोडियम के परमाणु क्रमांक ग्यारह में फिर आठ जोड़िए तो हो जाता है 19, जो कि पोटेशियम का परमाणु क्रमांक है। फिर इसमें आप 18 जोड़िए तो टोटल होता है 37, जो कि रुबिडियम का एटॉमिक नंबर है। इसमें फिर से 18 जोड़िए तो आता है 55, जो कि सीजियम का नंबर है। अब इसमें 32 जोड़िए तो आता है 87, यह है फ्रांसियम का एटॉमिक नंबर। अब इन्हें ध्यान से देखिए, 2, 8, 8, 18, 18, 32, यह आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के जैसा नहीं लग रहा, इसे आप आसानी से याद कर सकते हैं। अब दूसरे वर्ग को याद करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। हाइड्रोजन के बगल में कोई भी तत्व नहीं होता, लिथियम के बगल में बेरिलियम होता है, तो लिथियम का जितना क्रमांक है उसमें एक जोड़ दीजिए। इसी प्रकार सोडियम के बगल में मैग्नीशियम है तो सोडियम के क्रमांक में एक बढ़ा दीजिए। इसी प्रकार आप नीचे सब में एक एक अंक आगे बढ़ जाइए, यानी कि वर्ग एक का परमाणु क्रमांक आपको याद है तो वर्ग दो का भी आप आसानी से बना सकते हैं। अब वर्ग तीन से वर्ग बारह तक को छोड़ दीजिए। अब पहले आवर्त में हाइड्रोजन के सीध में देखिए, सबसे लास्ट में 18वें वर्ग में हीलियम होता है, तो हाइड्रोजन के बाद डायरेक्ट हीलियम आता है, यानी कि पहले से लास्ट वर्ग में जाता है सीधा। उसके बाद दूसरे आवर्त में लिथियम बेरिलियम के बाद 13वां वर्ग जाता है बोरॉन में, तो लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5। इसी प्रकार सोडियम और मैग्नीशियम के बाद सीधा 13वां वर्ग एल्यूमिनियम में जाता है, तो मैग्नीशियम का 12 के बाद एल्यूमिनियम का 13 हो जाएगा। अब चौथे आवर्त में आपको कुछ नहीं करना है। जिस प्रकार हमने पोटेशियम और कैल्शियम का क्रमांक निकाला, उससे अब आगे बढ़ते जाइए। जैसे कैल्शियम का 20, तो स्कैंडियम का 21, टाइटेनियम का 22, वैनेडियम का 23, इस प्रकार 30 तक यह जाता है। फिर 13वें वर्ग में गैलियम से यह 31, 32, 33, 34, 35, 36, क्रिप्टॉन तक चला जाता है। इसी प्रकार आपको कुछ नहीं करना है, सीधा आपको आगे बढ़ते जाना है, नंबर्स में एक एक ऐड करते जाना है। पांचवें आवर्त में भी सेम है, छठवें आवर्त में लैंथेनम के बाद एफ ब्लॉक चालू होता है, इसलिए लैंथेनम का 57 के बाद 58 से 14 नंबर्स आगे LU 71 तक जाता है, यानी कि 57 से 58 एफ ब्लॉक से चालू होता है और पूरा लैंथेनाइड के लास्ट तक जाता है 71 तक। उसके बाद 72 हाफनियम में चालू होता है और फिर ये लगातार बढ़ते रहता है। इसी प्रकार एक्टिनाइड में रेडियम 88, एक्टिनियम 89, फिर 90 एक्टिनाइड्स में चालू होता है, जो कि एफ ब्लॉक में है। यहाँ से 14 नंबर आगे LR 103 तक जाता है और 104 फिर RF से चालू होता है, जो लास्ट 118 तक जाता है, यानी कि लैंथेनम और एक्टिनियम के बाद आपको एफ ब्लॉक में जाना है। अगर आपको डी ब्लॉक को याद नहीं करना है, केवल पी ब्लॉक याद करना है, क्योंकि डी ब्लॉक के तत्वों में कुछ ही तत्व इंपॉर्टेंट है जिनका यूज होता है, तो अगर आपको सिर्फ पी ब्लॉक याद करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, वर्ग 13 बस को याद करना है। अगर आपको वर्ग 13 के एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर याद है तो आपको लास्ट वर्ग 18 तक आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि आपको आवर्त में एक एक नंबर आगे बढ़ाते जाना है। इसलिए हम सीखेंगे वर्ग 13 का एटॉमिक नंबर कैसे निकालते हैं। तो बुरान का हमको पता है कि बेरिलियम के बाद बुरान आता है डी ब्लॉक, क्योंकि यहां से स्टार्ट नहीं हुआ होता। इसी प्रकार मैग्नीशियम के बाद सीधा एल्यूमिनियम आता है। अब गैलियम का जैसे हम लोग को याद नहीं है, तो कैल्शियम में 10 जोड़िए, उसके बाद वाला अंक गैलियम का है, यानी कि आपको दूसरे वर्ग में 10 जोड़ना है तो उसके बाद वाला अंक 13वां वर्ग होगा, क्योंकि डी ब्लॉक में 10 वर्ग आते हैं। इसी प्रकार वो आवर्त 5 में SR का हमको याद है, SR को निकालने का ट्रिक हम बता चुके हैं, उसमें 10 जोड़िए तो IN इंडियम का निकल जाता है। लेकिन 6वें और 7वें आवर्त में यह ट्रिक काम नहीं करता, क्योंकि इसमें लैंथेनम और एक्टिनम के बाद लैंथेनाइड और एक्टिनाइड चालू हो जाते हैं, जो कि नीचे एफ ब्लॉक में रखे गए हैं। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। मरकरी HG, जिसको पारा बोलते हैं, इसका क्रमांक आपको याद कर लेना है कि इसका क्रमांक का C होता है। उसके बाद 81 से फिर इधर चालू हो जाएगा। अब आपको समझ आ गया होगा कि आपको सिर्फ वर्ग 1 के तत्वों का परमाणु क्रमांक याद करना है, फिर आप सभी तत्वों के परमाणु क्रमांक आसानी से निकाल सकते हैं। अगर समझ नहीं आता, कहीं कंफ्यूजन होता है, तो वीडियो को बार बार देखिए, दोबारा देखिए। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं उन्हें कमेंट में लिखें, और आपको यह वीडियो कैसा लगा, आपको इससे हेल्प मिली या नहीं, उसे भी कमेंट में जरूर बताएं। और इसी प्रकार की वीडियोस के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।